आप दोनों से सबसे पहला सवाल, कितना थकाने वाला होता है प्रपोजिशन एक ही बात को अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से कहना? नहीं, मैंने तो पूरी कोशिश किया हूँ कि मैं अलग अलग बात करूँ अलग अलग तरीके से एक ही चीज को. काफी मतलब अभी तक तो हम थके नहीं है, बट आई थिंक इवनिंग तक थोड़ा थकाने वाला हो जाएगा. बट आई थिंक प्रमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी वेब सीरीज आ रही है और वो देखें, तो मेहनत का फल मीठा होगा. पोस्टर रिमाइंड मी ऑफ ऋतिक रोशन, बैंग बैंग. बहुत सारे लोगों को लगा कि मतलब वैसे ही कुछ स्टोरी होगा, वैसे कुछ सीक्वेंस होगा, मगर ट्रेलर टीजर आने के बाद में लोगों को पता चल गया कि मतलब अच्छी स्टोरी है. रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे पोस्टर को लेके? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स, दे आर स्टार्स, वेरी बिग स्टार्स, एंड इट्स नाइस टू बी यू नो कंपेयर्ड विद पीपल यू लुक अप टू. तो काफ़ी अच्छा लगा. कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, बढ़ जाती है एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, जब आप इस तरह का एक शो का हिस्सा बनते हैं? आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, प्लस मेरे फैंस लोग को भी मुझे ध्यान रखना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, डूज और डोज में हम बोलते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बढ़ जाती है कि मतलब ध्यान देना है मुझे ये सारी चीज़ों पे भी अगर मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ. क्या रिएक्शन था आपका जो आपको अप्रोच करा गया? मेरे लिए तो ये शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना और प्लस लीड मिलना, तो मेरे लिए थोड़ा डर भी था कि मतलब ये चीज़ पे मैं खड़ा उतर पाऊँ या नहीं अच्छे से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे वर्कशॉप वगैरह कंप्लीट किया और एक फिर एक अंदर से मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ अभी. तो अल्हम्दुलिल्लाह शूट के फर्स्ट डे भी, सेकेंड डे, थर्ड डे तो नर्वसनेस रहती है, और अगर देखा जाए तो शूट के स्टार्ट के एक दो घंटे भी थोड़ी नर्वसनेस रहती है कि मतलब सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने मिल के अपना 100% दिए और सही किया सब. वेल आई वुड से कि ऑफ कोर्स जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि गेटिंग टू प्ले एन एक्शन हीरो बीइंग अ वुमन, आई थिंक ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि एक्शन फिल्में जहाँ पे लड़की को एक्चुअली एक सीरियस एक्शन करने का मौका मिल रहा है, ये कम बनती हैं. कई बार आप ग्लैमर फैक्टर के लिए होते हो एज अ पार्ट ऑफ एन एक्शन फिल्म, पर मेरा हमेशा से बहुत